फिर जब हम पहली बार इंडिया आके अर्चना जी से मिले तो उन्होंने एलिमनी में पैसों की जगह अपने बच्चों को मांगा। ओवी मानव देशमुख, तेजस्विनी मानव देशमुख और सचिन मानव देशमुख, मुझे मेरे तीनों बच्चे चाहिए। अर्चना जी जब अपने बच्चों को मांगा तो आप कंफ्यूज हो गए और मैं इनसिक्योर हो गया। मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जा रहा बाबा, मैं क्या करता। और फिर आप भी चाहते थे अर्चना जी से फिर से मिलना, मुझे डर था कहीं अर्चना जी आपको बताना दें कि ये सिग्नेचर उनके नहीं है। इसलिए मैं पुन्नी के एंगेजमेंट में उनसे अकेले में मिला। अगर आपने मुझे कभी भी प्यार किया उस प्यार के लिए मेरी आई को बाबा की जिंदगी में वापस आने का मौका मिला। प्लीज बाबा को इस छोटे रिश्ते से आजादी दे दीजिए। और फिर डिवोर्स की प्रोसीडिंग शुरू हो गई। लेकिन मैंने ये सब सिर्फ अपनी आई के लिए किया। ऐसे कैसे कर सकता है तू सचिन? किसी और के साथ अन्याय करके तू अपनी आई को न्याय दिलाना चाहता था? अब सब कुछ बात सामने आ ही चुकी है तो मुझे भी तुझे एक बात बतानी ही पड़ेगी। मानो सचिन और सविता की तरह मैं भी तेरा गुनहगार हूं। मैं हमेशा सोचता था कि मैं तुझे सब कुछ बता दूं, लेकिन मुझे लगता था कि बापा सब कुछ ठीक कर देंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं एक माँ को अपने बेटे के नजरों से गिराना नहीं चाहता था। मानो तुझे याद है 18 साल पहले तूने जब सविता को अर्चना के घर भेजा था। ए बुड्ढे, ए चुप बैठ, आज तू कुछ नहीं बोलेगी, सिर्फ मैं बोलूंगा और तू सुनेगी।